This is Farhan Shaikh and you're watching my YouTube channel Farhanshaikh.pro. This video is sponsored by White Label Infomedia Private Limited. आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि चेक क्या होता है और चेक के प्रकार से उसके टाइप क्या होते हैं। बेसिकली चेक एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो बैंक अपने अकाउंट होल्डर, चाहे वो सेविंग अकाउंट होल्डर हो या करंट अकाउंट होल्डर है, उन लोगों को प्रोवाइड करती है फॉर डे टू डे कैश और नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स के लिए। चेक तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है लोकल चेक, एक होता है आउटस्टेशन चेक और एक होता है मल्टी सिटी चेक। लोकल चेक का मतलब होता है अगर मेरा अकाउंट नागपुर की किसी ब्रांच में है और मेरी पार्टी जो है मैं वो भी नागपुर की और मैंने उसे वो चेक दिया तो नागपुर में क्लियरिंग होंगी और उसके अकाउंट में 3 दिन बाद पैसा आ जाएगा। अगर मेरी कोई पार्टी दिल्ली की है और मैंने वो चेक दिल्ली की किसी पार्टी को दे दिया तो वो चेक क्लियरिंग के लिए दिल्ली से रिटर्न नागपुर आएगा, राइट? क्योंकि वो लोकल चेक है, दिल्ली से रिटर्न नागपुर आएगा, वो उसके लिए वो आउटस्टेशन चेक भी हो गया, आउटस्टेशन ब्रांच भी हो गई है और फिर वो अकाउंट में क्रेडिट होगा। ये प्रोसीजर के लिए मिनिमम 1 हफ्ता लगता है। मल्टी सिटी चेक या एट पार चेक, जिसे हम एट पार चेक भी बोलते हैं, वो चेक अगर आप या मैं अपने बॉम्बे के ब्रांच में जाकर विड्रॉ करने के लिए उन्हें बोलूं तो मुझे वो कैश जरूर दे देंगे, बिकॉज वो मल्टी सिटी चेक है, चाहे मेरा अकाउंट नागपुर की ब्रांच में क्यों ना हो, बिकॉज इट्स अ मल्टी सिटी चेक। इसे मल्टी सिटी चेक बोलते हैं, इसे एट पार चेक बोलते हैं कि आप इंडिया की कोई भी ब्रांच में जाओ सेम बैंक की और वहां से आप पैसा विड्रॉ करवा सकते हो। चार टाइप के और चेक को बाइफरकेट किया गया है। एक होता है बियरर चेक, एक होता है क्रॉस चेक, एक होता है पोस्ट डेटेड चेक और लास्टली स्टेल चेक। बियरर चेक का मतलब होता है अगर चेक मैंने सेल्फ लिखकर किसी को हैंड ओवर कर दिया तो वो पर्टिकुलर पर्सन बैंक जाके पैसा विड्रॉ करवा सकता है, बस साइन मेरी पीछे भी चाहिए। अगर उस पर मैंने अपने किसी फ्रेंड का नाम लिखा, फॉर एग्जांपल मैंने रोहन काड़े का नाम लिखा, तो रोहन काड़े जी ब्रांच में जाएंगे और पैसा विड्रॉ करवा लेंगे मेरे अकाउंट से, उन्हें कोई बैंक वालों को इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहेगा। बट क्रॉस चेक के अंदर अगर मैं चेक रोहन काड़े को देता हूँ और चेक के लेफ्ट हैंड साइड पे पेन से 2 निशान मार देता हूँ और उसके अंदर अकाउंट पे ही चेक कर देता हूँ, अकाउंट पे ही लिख देता हूँ, तो वो क्रॉस चेक हो जाएगा। अगर कस्टमर वो चेक लेके ब्रांच में जाता है और बोलता है मुझे पैसे चाहिए तो उसे पैसा कैश नहीं मिलेगा क्योंकि मेरे अकाउंट से फंड उठ के डायरेक्ट उसके अकाउंट में क्रेडिट होगा, यहाँ कैश ट्रांजेक्शन नहीं होगा अकाउंट पे या क्रॉस चेक से रिलेटेड अगर कुछ रहा तो। तीसरा चेक होता है पोस्ट डेटेड चेक। फॉर एग्जांपल मेरे अकाउंट में 10,000 रुपये और मुझे किसी पार्टी को 15,000 रुपये देना है और नेक्स्ट वीक मेरे अकाउंट के अंदर 5,000 रुपये और आएंगे तो मैं कस्टमर को बोलूंगा कि 1 हफ्ते के बाद की कोई भी एक डेट बताइए, मैं उस दिन का चेक आपको दे देता हूँ, आप जाइए ब्रांच में जाके पैसा निकाल लीजिए। ये होता है पोस्ट डेटेड चेक, यानी आने वाली अगली कोई डेट लिख के मैं वो चेक कस्टमर को प्रोवाइड। स्टेल चेक का मतलब होता है हर चेक की एक लिमिट बैंक प्रोवाइड करता है 3 महीने की। अगर ये चेक पर मैक्सिमम बहुत से बैंक के चेक के ऊपर लिखा रहता है वैलिड फॉर 3 मंथ्स, अगर ये चेक 3 महीने पुराना हो गया तो इसे स्टेल चेक कहते हैं। लास्टली एक आता है कैंसल चेक। मैक्सिममली कैंसल चेक ECS के लिए यूज होता है, जो बैंक कस्टमर की सारी इन्फॉर्मेशन चाहता है और उसे कोई पर्टिकुलर चीज लोन पे खरीदनी है और उसे ECS करवाना है तो वो कैंसल चेक लेते हैं, जिसे कैंसल कर दिया जाता है जिस चेक पे सारी कस्टमर की डिटेल रहती है, अकाउंट नंबर, बैंक, IFC कोड, MICR कोड, ये सब उस पर लिखा हुआ होता है। आपको अगर आप MICR, IFSC ये सब चीज चेक के डिटेल नंबरिंग्स के बारे में जानना है तो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए। बाय, थैंक्स अ लॉट, हैव अ गुड डे।